हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर, हाजिर हूं फिर से एक नया वीडियो लेकर। आज का टॉपिक है फोन पे किसी भी बैंक अकाउंट को ऐड करना, लिंक करना। इससे पहले जो वीडियो बनाया गया था उसमें बताया गया, अगर आपने पहले से मल्टीपल बैंक अकाउंट ऐड कर लिए उसमें से किसी एक बैंक अकाउंट को प्राइमरी बैंक अकाउंट बनाना है, ताकि जब भी कोई पैसे ट्रांसफर करे, आपको सेंड करे फोन पे के थ्रू, तो आपके प्राइमरी अकाउंट पे चला जाए पैसा, वो किसी भी अन्य अकाउंट पे ना जाए। उस पर वीडियो बना दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहां से वीडियो को देख लीजिए। आज का टॉपिक है, अगर हमें फोन पे अपने मल्टीपल बैंक अकाउंट्स ऐड करने हैं तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूं। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। उसके लिए सबसे पहले हम करते क्या है, सबसे पहले हम फोन पे एप्लीकेशन को कर लेते हैं ओपन। अगर आप फर्स्ट टाइम फोन पे यूज कर रहे हो तो आपको बता देता हूँ, आपको रजिस्ट्रेशन की पड़ेगी जरूरत। अपने मोबाइल नंबर को डालकर आप वहां पर साइन अप करके अपना फोन पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करेंगे, आप पहुंचेंगे होम इंटरफेस पे। ये आपका होम इंटरफेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। जब हम होम पे जाएंगे तो होम कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। हमें क्या करना है, हमें मल्टीपल बैंक अकाउंट्स ऐड करना है। मैंने काफी ऐड किए हुए हैं यहाँ पे और मैं आपको एक अभी ऐड करके दिखा भी देता हूँ। तो ऐड करने के लिए फिर आपको करना क्या है, आपको ऊपर कहीं पे कुछ नहीं करना, नीचे जाना है माई मनी पे, और माई मनी पे जाएंगे यहाँ पर आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे। आपको साइड में कहीं दिखाई दे रहा है बैंक अकाउंट्स। आपको अगर अपने फोन पे बैंक अकाउंट लिंक करना है, कोई भी जो आपने नया अकाउंट खुलवाया हो या पुराना जो पहले लिंक नहीं किया है, तो वो यहीं से लिंक करेंगे। आप जाएंगे यहाँ पर यूपीआई बैंक अकाउंट्स पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो पहले से एडेड है वो तो यहाँ पे शो करेंगे। अगर आपने एक ऐड किया है तो एक शो करेगा, मैंने दो ऐड किए हुए हैं और तीसरा वाला मैं अभी यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है ऐड न्यू बैंक अकाउंट पे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा, एक तो ऊपर मैसेज आ रहा है जिसको पढ़ लीजिए, लिखा है सिलेक्ट अ बैंक अकाउंट लिंक्ड विद, मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे ऊपर शो कर रहा है और कह रहा है आप ऐसे बैंक को सिलेक्ट करिए जिसमें जो आपका अकाउंट है वो इस मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर किया गया है, यानी लिंक है। तो अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर मल्टीपल बैंक के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आपको चूज करना है अपने बैंक का नाम, जिस भी बैंक में आपका पहले से ही अकाउंट नंबर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे दो अकाउंट पहले से लिंक कर रखे हैं, एक SBI का, एक बैंक ऑफ बड़ौदा का, और तीसरा मैं करने वाला हूँ लिंक। मैं करता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाऊंगा, मेरा बैंक अकाउंट जो है वो एक्सिस बैंक में है। इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद फर्दर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। कुछ चीजें मैं थोड़ी आपको बता देता हूँ, समझ लीजिए। अगर आपने पहले से UPI अकाउंट किसी और एप्लीकेशन में, भले गूगल पे में किया है या फिर आपने पेटीएम पे किया है, अगर आपने UPI ट्रांजेक्शन किया है एक दो बार भी अपने बैंक अकाउंट से, तो आपको डेबिट कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने नहीं किया और फर्स्ट टाइम आप किसी UPI एप्लीकेशन को यूज करने वाले हो, तो जब अभी यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्लिक बैंक सेलेक्ट करेंगे आप। बैंक सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा, मे बी आपसे वेरिफिकेशन के लिए आपसे आपके डेबिट कार्ड का कुछ मे बी 4-6 अंक मांगेगा। तो मैंने तो जैसे क्लिक किया, क्लिक करते ही देखिए ऑटोमेटिकली मेरा सारा काम हो गया है। पहले से बता रहा मेरा 6-डिजिट का ऑलरेडी पिन पहले से इंटर्ड है, एग्जिस्ट है, बस सारी चीजें काम कर रही है प्रॉपरली। तो इतनी सिंपल सी प्रोसेस थी, बस आपको बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक करके ओके कर देना है। ओके करने से क्या होगा, आपका वो जो बैंक अकाउंट है वो आपके फोन पे ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे डन कर देना है। अगर आपको अपना पुराना वाला पिन है, अगर आपने पहले बनाया नहीं है, तो उसको आपको बना यहाँ पर क्या करना है, उसको रीसेट करना है। नया है तो उसको बनाना पड़ेगा आपको। बनाने के लिए आपको ध्यान रखिएगा, जब आप नया UPI अकाउंट में जब आप पिन बनाएंगे तो उसके लिए आपको डेबिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। अगला काम क्या है, यहाँ पे डन पे जाएंगे। डन पे जाएंगे, तीनों अकाउंट यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब ट्रांजेक्शन जो भी होगा वो किस अकाउंट से होगा वो आप यहाँ से बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। मैंने तो फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा सेट किया हुआ है। आपको पता नहीं कैसे सेट करना है तो उसके भी मैंने पहले से वीडियो बना दिया है। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैंने आपको बताया कैसे आप अपने फोन पे पे कोई भी बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो। आज के लिए फिलहाल इतना ही, बहुत जल्द फिर से मिलेंगे नया टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।